खेसारी लाल यादव एक ऐसा नाम जो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अब राज कर रहा है। खेसारी लाल यादव को भोजपुरी जनता ने इस कदर पसंद किया कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव का सबसे बड़ा नाम हो चुका है। और ऐसे में आज हम आपको कुछ बातों से रूबरू कराने वाले हैं जिन वजह से खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं और लोकप्रियता के मामले में दिन ब दिन दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है हम आपको दरअसल बताने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने साल 2006 में आई फिल्म चलत मुसाफिर मौलियों से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसी के साथ ही पवन सिंह ने अपनी फिल्म रंगीली चुनरिया तोहरे नाम से साल 2007 में फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। और यूँ कहा जा सकता है कि साल 2006 में निरहुआ ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और वहीं पवन सिंह ने साल 2007 में भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। लेकिन सबसे आखिर में आए खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2011 में आई फिल्म साजन चले ससुराल से की थी और साल 2011 से लेकर साल 2019 का सफर काफी मजेदार रहा है। हालांकि खेसारी लाल यादव ने बहुत ही तकलीफों का सामना भी किया लेकिन ऐसे में आज भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम खेसारी लाल यादव का हो चुका है। इसके पीछे अगर वजह की बात करें तो वजह सबसे पहले आती है सबसे ज्यादा फिल्म जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की साल में 2 से 3 फिल्में रिलीज होती है, वहीं पर पवन सिंह का भी यही हाल है। लेकिन खेसारी की 4 से 5 फिल्में साल में रिलीज हो जाती हैं और वो सभी फिल्में काफी बढ़िया और कहानी कंसेप्ट पर आधारित होती हैं, जिस फिल्म को भोजपुरी दर्शक भारी मात्रा में पसंद करते हैं। खेसारी लाल यादव का यही जलवा हमें पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, जहां पर खेसारी लाल यादव साल में करीब करीब 4 से 5 फिल्में लेकर आ ही जाते हैं। इसी के साथ ही दूसरी बड़ी बात की बात करें तो खेसारी लाल यादव की फिल्म में वो सभी चीजें होती हैं जो हर भोजपुरी दर्शक देखना चाहता है। आमतौर पर भोजपुरी दर्शकों को कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा और रोमांस सभी चीजें एक ही फिल्म में देखना पसंद करते हैं और ऐसे में खेसारी लाल यादव की फिल्मों में हमें यही देखने को मिलता है। खेसारी लाल यादव की जितनी भी फिल्में होती हैं लगभग एक्शन कॉमेडी से भरपूर रहती है, वहीं पर रोमांस भी काफी भरपूर मात्रा में होता है। तीसरी बड़ी बात खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खेसारी लाल यादव एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ वो अच्छे इंसान भी है। खेसारी लाल यादव गरीब और जरूरतमंदों की हमेशा से ही मदद करते हैं और सेट पर अगर कोई भी बेसहारा व्यक्ति आ जाता है तो फिल्म की शूटिंग बंद करवा कर खेसारी लाल यादव सबसे पहले उनकी मदद करते हैं। और अभी हाल ही में जब बिहार में बाढ़ आई थी तब भी खेसारी लाल यादव ने बिहार पीड़ितों की मदद की थी। तो यूँ कहा जा सकता है कि ये सभी बातें खेसारी लाल यादव को दूसरे अभिनेताओं से सबसे अलग बनाती हैं और इन्हीं बातों के चलते खेसारी लाल यादव ने धीरे धीरे दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह को पीछे कर दिया है। यूँ कहा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव की एक फिल्म रिलीज नहीं होती है और दूसरी फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं और खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्मों की लंबी लिस्ट रहती है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पवन सिंह एक बड़ी फिल्म लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, हमने इस बात की जानकारी दी थी कि कुछ दिन पहले बॉलीवुड के जाने माने एक्टर व निर्देशक टीनू वर्मा एक बड़ी फिल्म का निर्देशन करने वाले हैं। फिलहाल इस फिल्म का नाम तो तय नहीं हो पाया था लेकिन अब दोस्तों एक बड़ी जानकारी मिल चुकी है। जी आप बताना चाहेंगे, इस फिल्म का नाम है घातक और घातक फिल्म की शूटिंग मुंबई के वसाई विरार में शुरू कर दी जा चुकी है और शूटिंग के दौरान कुछ तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं टीनू वर्मा के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी नजर आ रहे हैं, साथ ही पवन सिंह भी अपनी अभिनेत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं। यूं कहा जा सकता है कि घातक फिल्म के साथ टीनू वर्मा पवन सिंह को लेकर एक बड़ी फिल्म लेकर आने वाले हैं और इस फिल्म की शूटिंग अब वसाई विरार मुंबई में शुरू कर दी जा चुकी है। इस फिल्म के निर्माता हैं प्रशांत निशांत और प्रशांत निशांत इस फिल्म को बनाने के लिए पानी की तरह पासा बहाने वाले हैं। साथ ही इस फिल्म में हमें बॉलीवुड के लेवल का एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ सीन्स में पवन सिंह दांतों तले दबा जाने वाले स्टंट सीन को परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि टीनू वर्मा एक बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक हैं। हालांकि भोजपुरी फिल्म में उनके एंट्री पहले ही हो चुकी थी लेकिन माना जा रहा है कि टीनू वर्मा इस फिल्म में सिर्फ निर्देशन ही नहीं बल्कि एक्टिंग करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं और रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि टीनू वर्मा इस फिल्म में खलनायक की भूमिका भी पवन सिंह के अपोजिट निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो टीनू वर्मा और पवन सिंह की एक साथ भिड़ंत देखने के लिए भोजपुरी फैंस घातक फिल्म को जरूर देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख करेंगे क्योंकि घातक फिल्म के टाइटल के साथ टीनू वर्मा पवन सिंह को लेकर एक बड़ी फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और इस फिल्म की शूटिंग अब
वसाई बिरार मुंबई में शुरू कर दी जा चुकी है। इसी के साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है। पावर स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है, साथ ही रोमांस भी उनकी फिल्मों में भरपूर होता है। लेकिन अक्सर पवन सिंह की फिल्मों में एक्शन देखने के लिए ही भोजपुरी फैंस उनकी फिल्मों की तरफ रुख करती है। यूं कहा जा सकता है कि घातक फिल्म के टाइटल के साथ टीनू वर्मा भोजपुरी इंडस्ट्री को एक बड़ी फिल्म देने वाले हैं, जिस फिल्म में पवन सिंह का काफी उम्दा तरीके से अभिनय लोगों के सामने पेश होगा।